नमस्कार दोस्तों, बैक टू बैक माई चैनल। मैं नीतू, स्वागत करती हूँ आपका लोकेंद्र फैमिली ब्लॉग में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे नए नए ब्लॉग के लिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए। और आज नीतू क्या बना रहे हो? सब्जी रोटी बन चुकी है मेरी, इधर देखिए, इधर देखिए बनाई हूँ मैं मस्त वाली बीन्स की सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी, और रोटी भी बना के रख दी हूँ मैं। और बाबू को होगा पूरे मुंह में और तो इसीलिए बाबू को खाना नहीं खा रहा, दिन में भी नहीं खाया, खाली दूध पिया था। तो बाबू के लिए बना रही हूँ मैं आलू का, ताकि कुछ खा ले। मतलब बहुत ज़्यादा एक दो की बात हो तो सही है, झेल भी देते हैं। उसका पूरे जीभ में, दांतों की जो पत्ती होती नीचे उनमें, तरुआ में, मतलब सारे हो गए, पूरे मुंह में हो गए उसके छाले। अब तो खाना बना के गई थी मैं, बाबू को देख के गई थी, दवाई दिलवाने अभी दिलवा के तुरंत मैं किचन में आ गई हूँ, तो टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो मैंने जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। फटाफट तो बाबू को खिला के नहीं, दवाई तो खिला देंगे कुछ थोड़ा बहुत खा लेगा तो। और ब्रेड व्रेड वो खाता नहीं है, डॉक्टर बोला ब्रेड में डाल के, मतलब दूध में डाल के ब्रेड खिला दो उसको, लेकिन ब्रेड तो वो कैसे भी नहीं खाता। तो मैं देखी कढ़ाई में सूजी डाल दी हूँ, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, मतलब चलाते चलाते भून देती हूँ। ऐसे ही अभी कुछ डाली नहीं मैं इसमें, अभी डालूँगी घी, अभी डाली नहीं, थोड़ी देर ऐसे भून देती हूँ मैं इसको। सूजी भून चुकी है, अब मैं डाल लेती हूँ इसमें अच्छे से घी, ताकि बाबू को मुंह में भी लग जाए कि कुछ छाले में घी लग जाए तो सही है। इसमें अच्छे से घी डाल रही हूँ, ये देखिए, अब डाल रही हूँ इसमें घी। अब चला के देखें तो कम लगा, तो और डाल लूँगी। मतलब घी भी अपने हाथ का ही है? हाँ, देसी घी है, घर पर बनाते हुए। इसको थोड़ी लेती हूँ घी के साथ में, ये देखिए, देखिए इतनी सारा घी डाली हूँ मैं, थोड़ा सा और डाली, मुझे कम लग रहा था, क्योंकि थोड़ा इसमें खाएगा ना तो उसका गला वाला थोड़ा चिकना हो जाएगा, इसलिए वैसे लगाने नहीं देगा। उन चावल से घी लगा देती हूँ, सोर हो जाएगा तो बदल लगा दूँगी। कम डाल देती हूँ मैं इसमें पानी, आवाज आएगी थोड़ा बंद कर। ये देखिए डाल दूँ इसमें पानी, अभी चीनी नहीं डाली हूँ, थोड़ी देर और ऐसे ही, मतलब थोड़ा खदकने देंगे उसके बाद चीनी डालूँगी मैं। और देखिए मैं गैस पे सारी पोछी गई थी, तो सूजी फूजी थोड़ी थोड़ी फॉइल ही जाती है, लेकिन इसको जब तक वो बन रहा जाए तो मैं गैस ही साफ कर देती हूँ। देखिए हल्का हल्का सा गाढ़ा सा हो गया है, मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी। तो प्लेट में करके रख ली ताकि कुछ होना, तो मैं देखी थी उसको ताकि कुछ होना। देखिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब गाढ़ा नहीं बनाऊँगी, अभी तो खदक आऊँगी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा पतला पतला बनाऊँगी ताकि बाबू पी सकें, क्योंकि उन पर ना पानी भी नहीं पी रहा है, इस टाइम के लिए बना रहे हैं। ये देखिए हलवा बन चुका है और मस्त वाला, हमें बाबू को कर देती हूँ, प्लेट में कर देती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है बाबू के। क्यों? ये देखिए बन गया हलवा, और इधर बन गई रोटियाँ भी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मैंने बाबू के लिए स्पेशली हलवा कैसा बनाया है। अब खाए थे बना, लेकिन थोड़ा बहुत तो खवाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूध दे देंगे तो दूध पिएगा, तो ऐसे पेट में भर जाएगा थोड़ा सा उसका। तो चलिए खाइए पिए, हम खाना खाते हैं। हमारे बाबू ने टीवी की आवाज़ें खोल रखी है, कम नहीं करने दे रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी, तो यही पेन कर देते हैं। तो खाइए पिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में, नमस्कार दोस्तों, और आप लोग भी खा लीजिए, और सभी को गुड नाइट।